हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद एसके क्लासेज में। दोस्तों देखिए, हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सीरीज कर रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये आपके कई प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और ये ऑल इंडिया एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्जामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है दूधा बेटा, दूसरा दिया अन्नामुदी, तीसरा दिया कंचनजंगा और चौथा दिया अन्नपूर्णा। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी है अन्नामुदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो चोटी है ये आपकी जो पश्चिमी घाट है उसके अंतर्गत जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उन्हीं की श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, और यह जो है इसकी स्थिति जो है दोस्तों केरल राज्य के इडुक्की जिले में पड़ता है। इसका एक मैप भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका भारत का नक्शा, और ये रहा आपका भारत का नक्शा, और ये दक्षिणी भारत है। इसमें जो है ये आपका हो गया दक्षिणी पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में ही यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी श्रृंखला है, इसी में अन्नामदाई जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो चार ऑप्शन दिए हैं आपका, आपको पहला दिया है काली मिट्टी, दूसरा दिया है आपका लाल मिट्टी, तीसरा दिया है लेटराइट मिट्टी और चौथा दिया है पीली मिट्टी। तो देखिए दोस्तों, जो चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है लेटराइट मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेटराइट मिट्टी जो है ये भारत में पाए जाने वाले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका चौथा स्थान है। मतलब अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जाए कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो आपकी वो हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन चौथे स्थान पे लेटराइट मिट्टी का स्थान है। इसका जो भारत में कुल फैलाव क्षेत्र है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मिट्टी की जो विशेषता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये दोस्तों कम उपजाऊ होती है और इसमें जो है अच्छी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। ये केवल जो है चाय और कॉफ़ी की फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये इसका जो ये जो मिट्टी है किन किन राज्यों में पाई जाती है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये जो है आपका असम राज्य में, और असम में, और तमिलनाडु में, और आपका कर्नाटक में, ये तीन राज्यों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है कावेरी, दूसरा दिया है कृष्णा, तीसरा दिया नर्मदा और चौथा दिया गोदावरी। तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो गोदावरी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है इसकी लंबाई, तो जैसे गंगा काफ़ी लंबी है वैसे ये भी है, दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है। और इसको वृद्ध गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी कभी जो है सूख जाती है दोस्तों गर्मी के मौसम में। और इसका उद्गम स्थान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यह जो है त्र्यंबकेश्वर जो आप महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक जिले में, यहाँ से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, उसी के पास एक चक्र तीर्थ नामक कुंड है, वहाँ से निकलती है नदी। इसकी लंबाई जो है गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है। ये गोदावरी नदी का जो है चित्र है, देखिए इसका नाम गोदावरी है, स्थान मूल स्थान जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। लेते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो मिट्टी के बारे में हमने देखा था, तो मिट्टी जो है भारत की मिट्टी स्थूल रूप में 5 वर्गों में विभाजित है। एक है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई है।
दूसरी है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, तीसरी है आपकी लाल मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी और पांचवी है आपकी रूर डेजर्ट मिट्टी, जो मतलब जो रेतीली मिट्टी है, इसको मूर मिट्टी भी कहते हैं। देखिए, और जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है आईसीएआर, इसके अनुसार जो है ये 8 प्रकार की होती है भारत की कुल मिट्टी है। 8 समूह में बांटा गया है भारत की मिट्टी को। तो इनका जो क्रम है देख लेते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, फिर शुष्क मृदा है, फिर लवण मृदा है, उसके बाद पीटियम मृदा है या जैव मृदा है, और उसके बाद क्या है, वन मृदा है। तो एसीएसआईआर के अनुसार है, और इनका क्रम भी यही है, मतलब क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी घेरती है, उसके बाद काली मिट्टी, फिर लाल या पीली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, ये इनका क्रम भी है दोस्तों। चलिए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला देखिए दिया है नर्मदा, दूसरा दिया है कृष्णा, तीसरा दिया है कावेरी और चौथा दिया गोदावरी। तो देखिए, पहले हम लोग देख चुके हैं बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, अब पूछ रहा है आपसे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो इस दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कावेरी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। ये जो है आपकी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, और इस नदी में वर्ष भर जल रहता है, मतलब ये जो है वर्ष भर जल से भरी रहती है, इस वजह से इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा कभी सूखती नहीं और ये भी कभी सूखती नहीं। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 800 किलोमीटर है, और ये भी अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है पेट्रोलॉजी, दूसरा दिया है पेरोलॉजी, तीसरा दिया है लिग्नोलॉजी और चौथा दिया है डेरेंटोलॉजी। तो जो मिट्टी का अध्ययन है दोस्तों, ये आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो आपको देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया बैरन द्वीप, दूसरा दिया नारकोंडम द्वीप, तीसरा दिया न्यू मूर द्वीप और चौथा दिया पंबन द्वीप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका दोस्तों बैरन द्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको मैप पे भी दिखा देते हैं। ये रहा दोस्तों, ये आपका रहा अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह, ये टोटल, और ये जो है आपका, ये है बैरन द्वीप है, और ये नारकोंडम द्वीप है दोस्तों, ये नारकुंडम और ये बैरन है। देखिए, बैरन पे जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ सक्रिय है बैरन पे, और यहाँ पे जो है एक जो है मृत ज्वालामुखी है। ये बैरन द्वीप स्थित कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, और ये यहाँ पे जो है दोस्तों बैरन द्वीप पे 150 वर्षों तक जो है इस द्वीप पे कोई ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ था। ज्वालामुखी तो था, लेकिन 150 वर्षों तक यहाँ कोई उद्गार नहीं हुआ था, और ये निष्क्रिय रही थी। और एकाएक 1991 में दोस्तों, 1991 में इसमें पहली बार ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और उसके बाद से अभी कई बार इसमें उद्गार हो चुके हैं ज्वालामुखी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोमपेंस जनजाति किस कहाँ की निवासी है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया आपका लक्षद्वीप, दूसरा दिया निकोबार द्वीप, चौथा तीसरा दिया दमन द्वीप और चौथा दिया है दादर नागर हवेली। तो ये जो है आपके सोमपेंस जो जनजाति है दोस्तों, ये आपके निकोबार द्वीप समूह पे निवास करती है, ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, और भी देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी, जो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पे कई ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनके बारे में हमको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इनका नाम है जैसे निकोबारी जनजाति, ओजो जनजाति, जारवा जनजाति और महान अंडमानी और सेम्पेन जनजाति। ये सब जनजातियाँ दोस्तों ऐसी हैं जिनका कोई बाहरी दुनिया से अभी तक कोई मेल नहीं है, ये
अपनी जो है अपना जो रक्षा है और अपना जीवन यापन है उसी द्वीप पे करते हैं, वहाँ से बाहर नहीं जाते हैं, ना ही किसी को प्रवेश करने देते हैं। दोस्तों ये हैं वो जनजातियाँ जो उसी द्वीप के आसपास में जो मछलियाँ हैं और अन्य वन जो समुद्री जीव हैं उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए आपको, पहला दिया है अरब सागर में, दूसरा दिया हिंद महासागर में, तीसरा दिया प्रशांत महासागर में और चौथा दिया बंगाल की खाड़ी में। तो जो न्यू मोर द्वीप है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये दोस्तों जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच पाया जा मतलब स्थित है और यह अभी पानी में डूबा हुआ है ये द्वीप न्यू मोर द्वीप। देखिए दोस्तों ये है बांग्लादेश का मैप, इधर इधर है बांग्लादेश और इधर है पूरा इंडिया आपका। तो यहाँ पे ये है आपका लोकेशन न्यू मोर द्वीप का, ये न्यू मोर द्वीप है और ये जो है दोस्तों ये सुंदरबन डेल्टा का पूरा क्षेत्र है जो आपको कटा फटा सा दिख रहा है, ये सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, यहीं पे न्यू मोर द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है लक्षद्वीप, दूसरा दिया है पंबन द्वीप, तीसरा दिया अंडमान निकोबार द्वीप और चौथा दिया दादर नागर हवेली। तो जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है ये है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप कोरल रीफ के बारे में जानते होंगे, एक समुद्री जीव है, ये आपका लक्षद्वीप समूह, ये इंडिया का मैप है और इधर जो है लक्षद्वीप समूह है, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं इन पे लोग निवास करते हैं। भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन नहीं है, पहला दिया है दक्कन का पठार, दूसरा दिया है मेघालय का पठार, तीसरा दिया है छोटा नागपुर का पठार, चौथा दिया है मालवा का पठार। तो जो भारत का रूर है ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। दोस्तों छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पे लौह उत्खनन और कोयले का उत्खनन सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसको जो है भारत का रूर कहा जाता है, और कोयले का उत्खनन सबसे ज़्यादा। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी जो अवस्थिति है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में फैला हुआ है और उसके बाद इसका कुछ एरिया जो है आपका पश्चिम बंगाल और कुछ एरिया आपका छत्तीसगढ़ में भी है और बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी है। तो ये कुल चार राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पहले कौन सा सागर था? तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है अरब सागर, दूसरा दिया प्रशांत महासागर, तीसरा दिया हिंद महासागर और चौथा चौथा दिया है टेथिस सागर। तो जो जहाँ पे आज हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पहले क्या था? देखिए दोस्तों 5 करोड़ साल पहले वहाँ पे टेथिस सागर था और ये टेथिस सागर मतलब पहाड़ में कैसे बदल गया, तो उसके पीछे एक एक सिद्धांत है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो 5 करोड़ साल पहले जो इंडियन प्लेट थी ये मतलब यूरेशियन प्लेट में टकराई और यूरेशियन प्लेट में टकराने से जो दोनों प्लेटें थी, जैसे ये यूरेशियन प्लेट थी और ये इधर इंडियन प्लेट ऐसे आई। इंडियन प्लेट पहले किसका पार्ट माना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका का पार्ट माना जाता है। यहाँ से टूट के ये यहाँ आई और उसके बाद जब इन दोनों में टक्कर हुआ तो दोस्तों ये फोल्डिंग हो गया, मतलब प्लेटें आपस में मुड़ी और मुड़ के ऊपर की तरफ उठने लगी और जिससे जो है आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इसीलिए हिमालय पर्वत जो है दोस्तों सबसे नवीनतम ब्लाइट पर्वत भी है वर्तमान में। नेक्स्ट दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार का जो मैप है जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये छोटा नागपुर का पठार, ये एरिया है छोटा नागपुर के पठार की, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, कुछ एरिया इसका छत्तीसगढ़ में है और ये झारखंड वाला क्षेत्र तो है ही और इधर बिहार है आपका और इधर पश्चिम बंगाल है, तो इसमें छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? देखिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन,
तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया अपशिष्ट पर्वत, दूसरा दिया ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा दिया अभ्रंश पर्वत और चौथा दिया बलित पर्वत। जो हिमालय है दोस्तों, ये आपका एक बलित पर्वत है, बलित पर्वत का उदाहरण है। और बलित पर्वत क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो है दो प्लेटों के टकराने से बना है और इस काफ़ी घुमावदार है और ये निरंतर जो है दोस्तों बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई कितनी है ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जो हिमालय की श्रृंखला है तीन श्रेणियों में बटा है, मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए आपको, पहला दिया है ताप्ती नदी, दूसरा दिया है नर्मदा नदी, तीसरा दिया कावेरी और चौथा दिया है ए और बी दोनों। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, डेल्टा के निर्माण वही नदियाँ करती हैं जो आपका पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मतलब जो पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की तरफ इधर जो बहती हैं ये डेल्टा का निर्माण कर दो। ये है इंडिया का मैप और इधर देखिए दोस्तों, ये गोदावरी नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है और ये देखिए दोस्तों नर्मदा नदी है और ये ताप्ती नदी है, ये दोनों यहाँ हैं। तो ये दोनों गिर रही हैं आपका अरब सागर में और ये सब है बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं और इधर ये लोग एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है कावेरी, दूसरा दिया ताप्ती, तीसरा दिया कृष्णा और चौथा दिया नर्मदा। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये जो दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। तो जो धुआंधार जलप्रपात है ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, मतलब जबलपुर जिले में है। और इसकी जो ये जो है, जब नर्मदा नदी जो है आपका 50 फीट की ऊंचाई से जब नर्मदा नदी गिरती है तो जिस जलप्रपात का निर्माण होता है उसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। इसका एक मैप में देख लेते हैं स्थिति इसका। देखिए दोस्तों, ये आपकी नर्मदा नदी, ये आपकी नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है और ये जब आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में पहुँचती है तो यहाँ पे जबलपुर ज़िले में एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका जो एक चित्र देखिए दोस्तों, ये रहा भेड़घाट के धुआंधार जलप्रपात का एक चित्र, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है पेडोलॉजी, दूसरा दिया है लिग्नोलॉजी, तीसरा दिया है पेट्रोलॉजी और चौथा दिया है पोमोलॉजी। तो जो चट्टानों का अध्ययन है आपका कहलाता है पेट्रोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चलिए दोस्तों, आप इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा कि झीलों को अध्ययन को क्या कहते हैं और अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है नासिक, दूसरा दिया है वालेश्वर, तीसरा दिया जबलपुर, चौथा दिया अमरकंटक। तो जो आपकी नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये दोस्तों आपका अमरकंटक है, पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में, एक पहाड़ी है और इसको रेवा भी कहते हैं नर्मदा नदी को। ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है दिहांग, दूसरा दिया है हुगली, तीसरा दिया है सांगपू, चौथा दिया है मानस। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है और ये तिब्बत से निकलकर बहते हुए जब इंडिया में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है दिहांग कहते हैं।
फिर असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और फिर जब पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप, कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जो लक्षद्वीप समूह है दोस्तों, यहाँ पे आपके द्वीपों की कुल संख्या 36 है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चार ऑप्शन दिए, पहला दिया आपका नायमती, दूसरा दिया दूधाविटा, तीसरा दिया अमरकंटक और चौथा दिया महेंद्री। तो जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है जो आपका केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये है आपकी दूधाविटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गारो खासी और जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो चार ऑप्शन दिया है, पहला दिया है असम, दूसरा दिया है नागालैंड, तीसरा दिया मेघालय और चौथा दिया सिक्किम। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही हो जाएगा। ये सभी जनजातियाँ जो है आपका मेघालय राज्य में निवास करती हैं। देखिए दोस्तों, हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। और हमारी वीडियो का अपडेट पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।